मांडणी ह्या लोकसभेला पुढे नाशिक रेल्वेसाठी भांडत राहिलं. दोन वेळा त्याला मंजुऱ्या मिळाल्या, एक दोन वेळा त्याचा डी पी आर तयार करण्यासाठी अडचणी आल्या, त्या मी पूर्ण केल्या, अडथळे पूर्ण केले. आणि जेव्हा हा प्रकल्प मंजूर झाला, सुरेश प्रभूंनी जाहीर लोकसभेमध्ये मंजूर केलेला आहे, त्याला मंजुरी झाली, त्याच्यानंतर माझा पराभव झाल्यावर हा प्रकल्प आहे तिथंच आहे, त्या जागेवर आहे, त्याच स्थितीत पडून आहे. त्यांनी एकही रुपयाचं काम केलेलं नाही, फाईल हल्ली सुद्धा नाही. एक बहुत ही अहम मुद्दा मेरे चुनाव क्षेत्र से निगड़ित है और वो है पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे. और आजादी के बाद रोड नेटवर्क में 16 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन रेल नेटवर्क में दो गुना भी इजाफा नहीं हुआ. और माननीय रेल मंत्री जी का जो निरंतर प्रयास है उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ. लेकिन सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में रेल मंत्रालय से इन प्रिंसिपल मंजूरी जून 2020 में मिली थी और 28 अप्रैल को रेल मंत्रालय की तकनीकी और नीति नियोग और वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिली है और ये परियोजना की पूरी तैयारी हो गई है. सिर्फ सीसीईए के लिए पिछले 6 महीने से ये प्रोजेक्ट का डीपीआर प्रेजेंट होना बाकी है. और मैं माननीय रेल मंत्री के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि इसकी जो जोनल रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, जो जोनल रेलवे के 3 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से पेंडिंग है, इसलिए सर पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे को जल्द से जल्द.